दोस्तों सोचिए, आप अपने घरों में सो रहे हों, अचानक आपकी आंख खुले और आप देखें कि कोई सांप आपकी तरफ तेजी से आ रहा हो। ऐसे में आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप सोचेंगे कि यह सांप कौन सा है, या फिर यह सोचेंगे यह कितना जहरीला है? आमतौर पर बिल्कुल नहीं। ऐसे में आप अपनी जान बचाकर भागना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कि एक प्रकार से यह भी है कि असल में सांप होते ही ऐसे हैं। आमतौर पर बिल्कुल नहीं। ऐसे में आप अपनी जान बचाकर भागना ज़्यादा पसंद करेंगे, जो कि एक प्रकार से सही भी है। भारत समेत पूरी दुनिया में ढेर सारे सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार सिर्फ अफ्रीका में 3000 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन्हीं प्रजातियों में से एक है ब्लैक माम्बा। कहते हैं कि सांपों की यह प्रजाति इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह इंसान को काट ले तो उसका भगवान ही मालिक होता है। तो आइए चलते हैं अफ्रीका की ओर। अगर आप भारतीय नागरिक हैं या फिर एशिया के देशों में रहते हैं तो आपके लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। राहत भरी खबर इसलिए क्योंकि ब्लैक माम्बा सांपों की प्रजाति यहाँ नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ अफ्रीका में ही पाई जाती है। ये वहाँ सहारा जंगल में बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं। दिलचस्प बात तो यह है, इनकी संख्या में अन्य प्रजातियों की तुलना में सबसे अधिक है। दिखने में यह बेहद खतरनाक जहरीले सांप जंगलों, घने पेड़ों और झाड़, लकड़ियों और लट्ठों पर रहना पसंद करते हैं। एक वयस्क ब्लैक माम्बा की लंबाई तकरीबन 2 मीटर मानी जाती है। हालांकि कई बार 4.5 मीटर तक की ब्लैक माम्बा सांप देखे गए हैं। इनकी दूसरी खासियत की बात करें तो रेंगने में यह काफ़ी चतुर होते हैं। माना जाता है कि ब्लैक माम्बा की प्रजाति की सांप 1 घंटे में 12 मील यानी कि 20 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार तय कर लेते हैं। ब्लैक माम्बा के बारे में कहा जाता है कि यह ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने शिकार की तलाश में लोगों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति में यह सांप लोगों पर टूट पड़ता है। आप बच गए तो ठीक, नहीं तो अपना जहर आपके पूरे शरीर में छोड़ देता है। देखते ही देखते इसके द्वारा काटे गए व्यक्ति शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। मात्र 15 से 20 मिनट के बीच अगर उसको उपचार नहीं मिलता है तो व्यक्ति का मरना तय माना जाता है। PBS पब्लिक ब्रॉडकास्ट स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार ब्लैक माम्बा सांप के जहर से हर साल 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके जहर की सिर्फ 2 बूंद किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी मानी जाती है। अगर कोई इंसान इससे बच भी जाता है तो वह लकवे का शिकार होने से नहीं बच सकता है। ब्लैक माम्बा सांप आमतौर पर छोटे जीव जंतु और पक्षियों का शिकार करना पसंद करते हैं। इस सांप के शिकार करने का तरीका अन्य सांपों से बिल्कुल जुदा होता है। सबसे पहले यह अपने शिकार का तेजी से पीछा करके उसे पकड़ता है, फिर उसके अंदर अपना पूरा जहर छोड़ देता है। उसकी नज़र अपना शिकार पर तब तक रहती है जब तक उसका जहर असर दिखाना शुरू नहीं कर देता है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तथा बेल आइकन पर कर दीजिए क्लिक, ताकि मैं जो भी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।